क्या हुआ तेरा वादा। You know what? ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। वो इरादा और ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। I love this place. वानी, कहाँ जा रही हो? तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का। वानी, listen. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। वानी, अरे listen, अरे क्या कर रही हो वानी? वानी listen, अरे सामने समझ गए वानी। क्या करती हो वानी? बी केयरफुल, मजा आता है मुझे डराने में। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी। वानी, फिर से वही सपना। What? भाई हम नींद में किसको रुकने के लिए बोल रहे थे? बोल नहीं रहे थे, लिटरली चिल्ला रहे थे। Exactly. Wait, wait for me. पहला सा भैया कौन था? I mean कौन थी? भैया बोलो। अरे बता दो भैया, देखो यार। No. भैया बता। No, रखो। रफीर बिल्कुल मत बताना। और ज़्यादा ये चपड़ चपड़ करना, कह देना किस पड़ोसी थी। पड़ोसी किसके सपने में नहीं आती? अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई। आज तेरी शादी है, काम शाम पे नहीं जाना। हाँ शाम पे नहीं जाऊंगा बस। अरे लेकिन मसूस एक घंटे में आ रहा है। भाभी आई यू सीरियस? मसूस रियली? अच्छा भैया मसाज जाने दो, फेशियल तो करवा लो। अच्छा भैया 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 प्लीज पेडिक्योर भी आ। हाँ मेरे लिए ना एक पिंक कलर की बेबी फ्रॉक मंगवा दो। भाई भाई भाई, अरे भाई मेरी तो सुनो ना भाई। भाई सुन लो प्लीज। क्या है नकुल? आप इनकी मत सुनो, आप लेकिन मेरा गाना सुन लो ना जो मैं आपकी शादी में परफॉर्म करूं। ओ हीरो, तुझे गाना बजाने की परमिशन किसने दे दी? ओ हट। अरे क्या कर रहे हो तू? ना इस नकुल को नलायक से निकम्मा बना देगा। इसको पता है कि मैं तेरी बात कोई ना नहीं करता, इसीलिए तेरे कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाता है। और आप फिर भी बच जाते हो। और तू बच्चा खाने से सिंगे बना, इसकी मैं सारे गामा बजाता हूं। डैड डैड क्या डैड? इतना फर्क है उसकी और आपकी उम्र में, बड़ा हो जाएगा। सो सॉरी सर। सर गुड मॉर्निंग सर। वो प्रेस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यू आर द मोस्ट यंगेस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आज आपकी शादी है, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। क्या बोलूँ सर उनको? टू वर्ड्स, गेट लॉस्ट। या मिशन। अच्छा लिसन, तुम्हारी गाड़ी में मेरी दो फाइल्स रह गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी आज हमारी शादी है। हमारी शादी? कैन यू इमेजिन? नो आई कांट इमेजिन, इट्स अ मिरेकल। नो इंडीड। यार रघुवीर अभी तो गलत बात है, तू शादी कर रहा है मिशा से भाई, जस्ट फोकस ऑन हर एंड गिव हर टाइम। आई नो, लड़की कितनी प्यारी है। अरे बेटा तुम्हें पता है कितनी संस्कारी भी है और पैसे वाली भी। और पता है सोशल मीडिया पे 50K फॉलोअर्स है उसके। करेक्ट, यही सब कुछ सोच के तो मैं उससे शादी कर रहा हूँ ना। बेटा तुम उससे क्या सोच के शादी कर रहे हो, हमें अच्छी तरह से पता है। अरे इसकी भी बेस्ट फ्रेंड है, वो जानती है इसको अच्छे से यार। और वो भी मुझे अच्छे से जानती है। देयर इज जस्ट वन थिंग जो मेरे पास नहीं है, टाइम। ओए दीप जोत, 100 बार कहा है तुझे, सुबह सुबह अपना फोन बंद रखा कर पूजा के समय। मेरा संतोषी मैं शुरू नहीं होता और तेरा सुन स्वीटी ड्रामा शुरू हो जाता। मम्मी जी बंद रखा कर फोन। पैरी पहना भी जिंदा रहे पुत्र। पुत्र तू खुश है ना? सुबह सुबह झूठ ना बोल पाओ प्लीज। ओए देवराज, बेटे का ब्याह है,
कोई दान पुण्य का काम भी कर ले। काय मना ले माँ जी, हमारे जीजा जी पिछले 15 साल से यही तो कर रहे हैं। Excuse me, this is my मायका। इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना देवराज भैया का। और तुम लोग इसे क्या कह रहे हो? हाँ, लंगर की भीड़ तो तुम लोगों ने लगा रखी है। और इनकी बेटी प्रिया, वो भी तो यहीं पल बढ़ रही है। ये ताई ये आत्या काय बड़बड़ते, काय बड़बड़ते आत्या, ये प्रिया के बारे में कुछ नहीं बोलते। ठंड बहुत, ठंड बहुत, ठंड बहुत। प्रिया, प्रिया को भी ले, प्रिया भी सेल्फी के लिए आएगी। प्रिया आए, ये 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 सेल्फी। ओके स्माइल, सेल्फी। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी। तुम्हारी ये जो डाइटिंग है ना, वो देख के तो मेरी भूख मर गई है। करेक्शन, सिर्फ डाइट नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट डाइट। और वैसे भी 4 दिन से ना ही मैंने पानी पिया और ना ही नमक खाया। What? यार तू कुछ खा, नहीं तो फेरे लेते लेते फेंट हो जाएगी। एक सेकंड, 4 दिन से मैंने पानी नहीं पिया, इसका ये मतलब नहीं कुछ और नहीं पिया। ऐसे लुक्स क्या दे रहे हो? कॉफी के 2 शॉट्स मारे हैं, पूरी रात जागूंगी। उसको बंदी से शादी करनी थी, रीढ़ के हड्डी से नहीं। लड़कों को थोड़ा बहुत फैट पसंद होता है यार, हस्बैंड्स को खासकर। हस्बैंड का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी वेडिंग पे मेरे सारे दोस्त आएंगे, सारी मीडिया होगी। और अगर कभी मोटी छोटी आ गई तो आज मैं हसीन दिखना चाहती हूँ ताकि रघुवीर के होश उड़ जाए। देखिए आई नो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है, पर तुझे अपनी बीती बातों को भुलाना पड़ेगा। आज तेरी शादी है, कम ऑन मैन, बी हैप्पी। मैं तेरा हाल समझता हूँ, पर अगर तू ही खोया खोया रहेगा तो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे साले? I'm 97% sure that they won't like me, but I'm 100% sure that I don't care. हर बात को आई डोंट केयर कह के नहीं टाल सकते यार, और हर याद को फॉरगेट इट कह के नहीं टाल सकते ना ब्रो। इट्स नॉट इजी। रघुवीर, कब से बुला रही हूँ, सुन तो लिया कर। पता है शाम को कितने लोग आ रहे हैं? हाँ, लेकिन आपने तो किसी के कार्ड पे विद फैमिली लिखा भी नहीं, फिर भी 636 लोग आ रहे हैं। रघुवीर, तेरे कमरे में ना कुछ मंगलसूत्र रखे हैं, जाके चुन लेना, देख ले मीशा को कौन सा पसंद आएगा। जा। लोग कहते हैं मुझे हंसना चाहिए, पर अगर कोई मेरे दिल का हाल देख ले तो उसका रोना नहीं रुक पाएगा। ऑलराइट, क्या करना है, स्माइली को करना ना, बिग डील। चल रख भी बाय। यू नो, मैं तुम्हारे प्यार में क्यों पड़ी, तुम्हारी एक क्यूट सी स्माइल देखकर, एकदम बच्चों जैसी हैप्पी वाली। लोग कहते हैं एक नया जन्म शुरू होता है एक नई शादी से, लेकिन मैं अपनी शादी पे ही मरने जा रहा हूं। तीन साल छोटे, इट्स अ लॉन्ग टाइम, मूव ऑन। मूव ऑन की गोली होती तो ले लेता, कमबख्त ही मूव ऑन ही तो नहीं होता। ये मुझे नहीं है, इस घोड़ी को बता। मुहूर्त निकला जा रहा है। इन सारी आवाजों में सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है मुझे, क्या हुआ, पानी की।
तेरा वादा वो कसम वो इरादा। बताओ तुझे दूल्हा कौन है अपना? अच्छा आप ये दिल्ली में नहीं धमकी आई है? मेरा बाप कौन है के बाद मेरा दूल्हा कौन है? अरे तुम जैसे लोग ये सड़क पे जो बारात लेके निकलते हैं ना, यही ट्रैफिक जाम कराते हैं। निकलो यहाँ से, चलो चलो। कोई रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था और कोई बारात में नाचने की, पर मुझे पता था कोई ऐसा नहीं है जो हवा के इस रुख को बदल दे। और इन यादों को भी दीजिए ना, है ना परमिशन मेरे पास? किस बात की परमिशन मिली है? बारात ले जाने की परमिशन, वो भी आपके बॉस ने मेरे बॉस को दी है, वो भी टिटन। और इसके बाद कुछ खाना तो अगले 4 दिन तक नो खाना फॉर यू। फिर बाहर का खाना खाके जब आपको एसिडिटी होगी ना तो मेरे पास बताना। तो क्यों अमीरों के पचड़े में पड़ रही है? I'm sorry, पापा, इस तरह से आपको धमकाया, लेकिन आप समझो ना, मेरी पहली जॉब इतनी मुश्किल से मिली है, वो भी बॉस की शादी है। हाँ, वो बॉस जो तुझे जानता तक नहीं है, उसने नहीं। तो अपने बाप से लड़ रही है। नहीं नहीं नहीं, बाप से नहीं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी से। और मैं जानती हूँ रघुवीर से मुझे नहीं जानता, अरे कैसे जानेंगे, वो मेरे बॉस के बॉस के बॉस है, ही इज द सुपर बॉस। अरे जाने दे भाई। ठीक है करवाता हूँ मैं। ए चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। ओ चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया। प्रगति, हाउ डिड यू मैनेज दिस? सर इजी था, ही वाज अ नाइस मैन। एनीवेज गुड जॉब। आज अगर बिग बॉस खुश हो गए ना तो तुम्हारी कंफर्मेशन और अप्रेजल दोनों एक साथ हो जाएंगे। कीप इट अप। थैंक यू सर, सब अच्छा हो रहा है। अरे अरे चलो चलो, मूव ऑन मूव ऑन। ये हवाएं, इनका चलना और दिल का चलना हमेशा एक साथ होता है। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो मेरी जिंदगी में आके मुझे मेरा बीता हुआ कल भुला दे। मैं आज भी उसे अपने आसपास महसूस कर सकता हूँ, इन हवाओं में महसूस कर सकता हूँ। It's okay, it's okay. You're a fighter, not a quitter. Are you all right, sir? I'm okay. Hey, कौन? Office के employee, sir. Oh, आओ जी, आओ जी. Oh, बलजीत, मुबारक, मुबारक. We are finally getting married. I'm so excited. Are you? ओए मीशा पुत्र, ओए सबर रख, पहले फेरे होने दे, उसके बाद जितनी चाहे जफियां पपियां पा लेना। चल 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 जाओ जाओ। जब हम शादी करेंगे ना तब तुम वो टिपिकल वाइट शेरवानी पहनना, तुम वाइट में बहुत हैंडसम लगोगे। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मुझे तुम्हारे दिल की हर बात पता है, क्योंकि हमारा प्यार वो प्यार है जिसे लोग बेपनाह प्यार कहते हैं, जिसकी सिर्फ शुरुआत होती है मगर अंत कभी नहीं। तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगे, दूर रहकर भी महसूस कर लोगे मुझे। रघुवीर, मैं कैसी लग रही हूँ? रघुवीर, मैं कैसी लग रही हूँ? तो
चलो लेट्स गो टेक अ बाइट, लेट्स गो। यस यस ये तो सुकन्या राय सिंघानिया है, यूके के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है ये। बड़ी तो बहुत टाइम से लंदन में है, पिछले दो साल से इंडिया ही नहीं आई। आई एम नॉट श्योर कि हमारी गेस्ट लिस्ट में इसका नाम था। सुकन्या राय सिंघानिया, वो भी हमारी शादी पे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर में ना हमारे फोटो छपने वाले हैं, बड़े बड़े। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कहीं इन दोनों का कोई चक्कर तो नहीं था? क्या पता, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, नहीं तो इतनी बड़ी हस्ती शादी में आकर यूं रोएगी क्यों? हे सुकन्या, आई एम सिद्धार्थ, हम लंदन में मिले थे, पर आप यहाँ कैसे? मैं खुद नहीं जानती कि मैं आई क्यों। दिनेश जिसको एक्सक्यूज मी, डू आई नो यू? आई मीन क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? ऐसा लगता तो नहीं है कि एक दूसरे को नहीं जानते। वही तो, कोई लड़की बिना जान पहचान के किसी और की शादी में आकर क्यों रोएगी? जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं वो सभी सोचते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम जो रो रही हो वो मेरी वजह से रो रही हो। तो ये सच नहीं है क्या? ये सच कहाँ से होगा? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। तुम मुझे कहाँ से जानते हो? तुम तो मुझे मिले तक नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। मैं सच में आपको नहीं जानता, मैं सच में आपसे नहीं मिला। इना, दिस इज इना, तुम हमारा तमाशा बना रहे हो। यू आर मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ अस। आई थिंक आई शुड जस्ट गो। एक मिनट, मैं इसको नहीं जानता, ऑल राइट? मैं इससे कभी नहीं मिला हूं। मैंने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया इस दुनिया के अंदर, उसका नाम है बानी। उसके मरने के बाद जिंदगी में लड़कियां आई, लेकिन इससे मैं कभी नहीं मिला है। उसके मरने के बाद मैं लंदन गया, सच है, लेकिन मैं इससे मिला, ये पूरा झूठ है। Who are you? बहुत हो गया। I can't take this anymore. याद है। अरे ये सिंघानिया की बेटी है, ये झूठ क्यों बोलेगी? लगता तो है कि इनके बीच में कुछ तो जरूर था। हे, आर यू ओके? वो मुझे भूल गया। रघुवीर मुझे, हाउ कैन ही फॉरगेट मी? दिल की तरह से हाथ मिले कैसे भला। बानी, अरे लिसन, अरे क्या कर रही हो बानी? सुकन्या, I love Bunny, but I love you too. मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि कहीं तुम भी यहाँ से गिर ना जाओ। बानी से मैं बहुत प्यार करता था, पर उसके बाद जब तुम मिली ना, तो ऐसा लगता है तुमसे प्यार हो गया। बानी के खोने के बाद मिला था वो मुझसे, और मिलते ही we fell in love. Forget? What do you mean? Who the hell is she? मैं इसे नहीं जानता हूँ। लाइक बानी के मरने के बाद मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आया। मैं लंदन गया हूँ ये बात सही है, लेकिन इससे मिला हूँ ये बात बिल्कुल झूठ है। लाइक हु द व्हाट द आई डोंट नो दिस वुमन मैन। वो लड़की रो रो कर कह रही है कि वो रघुवीर को जानती है, और रघुवीर ये कह रहा है कि वो बानी के मरने के बाद किसी से नहीं मिला आज तक। आखिर इन दोनों में सच कौन कह रहा है? ये हो क्या रहा है बेटा? हो सकता है ना तू भूल गया हो? हाँ, गजनियों में 2 साल पहले मेरी शादी हुई, उसके बाद किसी ने मेरे सर पे रॉड मार दी और मैं सब भूल गया। फिल्म चल रही है ना कोई? मरानियों में। I know, पर 2 साल तुम लंदन में थे ना, उन 2 सालों में तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं की। वो तो मैंने अपने घर
लिसन, आई डोंट नो हर। अरे लेकिन वो कुड़ी झूठ क्यों बोलेगी? बरोबर पूछ के संभालो, पूछ क्या था? अरे पुत्र कभी तो सीरियस हो जाएगा। देखो लड़की क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मुझे ऐसा लगता है उसका जरूर एक एक्स बॉयफ्रेंड होगा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता होगा, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी। अरे बेटा तू ना बहुत हैंडसम है हा? लेकिन सिर्फ लाजपत नगर तक, लंदन तक नहीं हा? और वो सुक्कू, सुक्कू हाँ वही, उसका चेहरा देखा है तूने? कितनी प्यारी है। ये देखो भैया उसकी सोशल मीडिया पिक्चर, 5 लाख व्यूज, और जब से उसने फोटो डाली है ना तब से 25 लड़कों की लाइन लग गई है। ओ स्टॉक्स ऑफ फॉलोइंग, ओ क्विक टीवी ऑन करो भाई। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सुकन्या राय सिंघानिया जो कि लंदन के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर विवेक राय सिंघानिया की बेटी है, उन्होंने दावा किया है कि उनके इंडियन होटेलियर मिस्टर रघुवीर मल्होत्रा से बहुत करीबी संबंध है और आज से करीब 2 साल पहले उन दोनों की लंदन में मुलाकात हुई थी। और आज इस न्यूज के सामने आने के बाद मिस्टर रघुवीर और निशा ओबेरॉय की शादी को बीच में ही रोकना पड़ा। हालांकि मिस्टर रघुवीर मल्होत्रा ऐसा आदमी है, एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसकी बारात तो वही रास्ते में रोक देनी चाहिए थी, इतना बड़ा कांड तो नहीं होता। और तू है कि बॉस है, बॉस है, तू कैसे काम कर लेती है ऐसे लोगों के साथ? ये पैसे वाले लोग कितने गंदे होते हैं। लेकिन ये साफ है, हैं? आपके जूते नीचे, जल्दी नीचे। खाना अच्छा, बाहर से आप कुछ भी मत खाइएगा वरना। पता है पका है, बाहर से अगर खाऊंगा तो तेरी डांट खानी पड़ेगी। गुड। अच्छा पापा मुझे ऑफिस में अर्जेंट काम है, मैं जा रही हूँ। बेटा मत जाना, इतना बड़ा ऑफिस है, सुनसान सा, तू अकेली, तुझे डर नहीं लगता? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पापा पुलिस में, इसकी इतनी हिम्मत कि दिल्ली पुलिस से पंगा ले। अरे मेरे पापा गोली से ना उड़ा दे अगर किसी ने मुझे आंख उठा के भी देखा तो। वो तो है, तो बस चिल कीजिए ना, अभी मैं जा रही हूँ। बाय बाय। ओ प्रगति रुक जा, नहीं ये लड़की कभी किसी की नहीं सुनती, मुझे भी बातों में लगा के बस चली गई। इसका बॉस, मुझे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं। क्या नाम है इसका? रघुवीर, रघुवीर, रघुवीर। डैम, I'm so famous। झूठ बोल रही है वो। अरे बेटा वो झूठ क्यों बोलेगी, तू दुनिया का छोड़ इंडिया का भी रिचेस्ट आदमी नहीं है, और वो तो इंडिया की रिचेस्ट औरत है, रिचेस्ट। अरे कोई बोलो ना ऐसे तो। अरे बहुत पैसे वाली है। मीशा बेटा, बेटा तू बता उसको कितने पैसे वाली है वो। हाँ दिस इज मैड हाउस। एक्सक्यूज मी, कहाँ जाना भाई तू, कहाँ? ऑफिस मत जाना बस। क्यों? माँ की सुक्कू वेट कर रही है। सुक्कू नहीं भाई, मीडिया वेट कर रही है बाहर। एंड यू रियली थिंक आई केयर? ये गाना कहाँ बज रहा है? Who's playing this music, damn it?